हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है लेडी मोमेंट्स में, जहाँ मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मोमी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है moments.lady, जहाँ पे मैं फैशन रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड करती हूँ और नए नए रील्स अपलोड करती हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने अपना हैंडल बता दिया lady.moments। मैं यही आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और आपके घर वाले भी ठीक होंगे, और बाकी कुछ लोग जो कोरोना से स्ट्रगल कर रहे होंगे, मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एक लाइक अ प्रो आई शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई शेडो मेकअप में बहुत ही अभी जो फैशन चल रहा है उसके हिसाब से बहुत सारा काम होता है आई शेडो में। उसके साथ हम कितने सारे कलर्स के साथ खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई शेडो में बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उसको फॉलो करके हम बहुत ही अच्छा आई शेडो कर सकते हैं, आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो कुछ बेसिक्स होती हैं आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आई शेडो की बेसिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें आईज़ के अपने जो अकॉर्डिंग टू मेकअप पार्ट्स हैं उन्हें सीखना पड़ेगा, उन्हें जानना चाहिए हमें, ताकि हम कोई भी वीडियो देखें, कुछ भी देखें, हमें कोई कुछ भी एडवाइस करे तो हम उसको समझ सकें कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले मैं बता देती हूँ, ये हमारा आईब्रो है दैट यू नो वेरी वेल, और उसके नीचे का जो एरिया है, दिस एरिया, इस ये है हमारा ब्राउ बोन, इसको हाइलाइटिंग एरिया भी कह सकते हैं और ब्राउ बोन भी कह सकते हैं। ये आईब्रोज़ के यहाँ पे नीचे आप ऐसा टच करोगे तो एक बोन है, इसलिए इसको ब्राउ बोन्स बोलते हैं। उसके नीचे ये आता है क्रीज एरिया, आपने बहुत सुना होगा क्रीज एंड कट, वो इसी क्रीज को डिफाइन करने के लिए होता है कट क्रीज। एंड उसके नीचे आता है ये लिड, जहाँ पे हम कलर्स अप्लाई करते हैं, ये है लिड। और उसके बाद ये है आउटर वी कॉर्नर, ये आउटर कॉर्नर है, यहाँ पे हम वी ड्रॉ करते हैं, ये आउटर वी है। उसके बाद ये इनर कॉर्नर, फिर आता है ये अपर लैश लाइन, ये लैसेस है और ये उसके ऊपर का जो एरिया है वो अपर लैश लाइन कहा जाता है। उसके बाद आता है, नीचे की बात करें तो ये लोअर लैश लाइन है, और ये जहाँ पे हम काजल अप्लाई करते हैं इसको वाटर लाइन कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा आईज़ के जो अकॉर्डिंग टू मेकअप पार्ट्स होते हैं। फिर हम आगे अब बात करते हैं कुछ और भी बेसिक्स के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आई शेडो की। आई शेडो जो अवेलेबल होता है वो तीन टाइप्स में है, एक क्रीमी, एक पाउडर, एक कॉम्पैक्ट। ये जो हमें मिल जाता है अवेलेबल है, ये थ्री टाइप्स के आई शेडो होते हैं। और इसमें से जो लाइक ईजली अवेलेबल या मोस्टली यूज़ होता है वो कॉम्पैक्ट है। आपको इन तीनों में से जो भी यूज़ करने में आप लाइक कम्फर्ट हो, आप जिसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसमें ही इन्वेस्ट करें। आई शेडो में अगर ब्लेंडिंग की बात करें तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लेंडिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। और ब्लेंडिंग के लिए कोई भी अलग से कोई भी टिप या ट्रिक नहीं है, ब्लेंडिंग के लिए आपको बस अपने हाथों को, ब्रश जो है उसको बहुत ही हल्के लाइट हैंड से अच्छे से ब्लेंड करना है। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको अच्छी क्वालिटी के ब्लेंडिंग ब्रश में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ब्लेंडिंग ब्रश ही परचेज करें। अगर आप बिगनर हो, सोच रहे हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अच्छी क्वालिटी के ब्लेंडिंग ब्रश खरीदें, ताकि आप अच्छे से कलर्स को ब्लेंड कर सकें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आई शेडो अप्लाई करने से पहले लाइक स्किन पे आप कोई भी कंसीलर नहीं अप्लाई करते, कुछ उस पर प्राइमर नहीं अप्लाई करते, और डायरेक्ट आप आई शेडो अप्लाई करते हो और फिर बोलते हो ये तो कलर अच्छा है ही नहीं, कलर तो वैसा आ ही नहीं रहा है जैसे कि आपके पैलेट में है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आई लिड पे, इवन पूरे आईज़ पे, ये आपकी क्रीज एरिया, पूरे आईज़ पे अच्छे
अच्छे से आपको कंसीलिंग करना है, उस पर एक आप बेस रेडी करोगे आईज़ के लिए, आई शेडो के लिए, फिर वो जो कलर होगा वो बहुत ही उभर के आएगा। इवन जो कलर आपके पैलेट में है वही कलर आपके आईज़ पे भी दिखेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा टिप है, इसको आप अच्छे से फॉलो करें तो आपका आई शेडो बहुत ही अच्छा होगा। आप नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि हमें कोई भी आई शेडो अप्लाई करने से पहले अगर आप उसका कलर और भी लाइक उभारना चाहते हो, एकदम इंटेंस कलर चाहते हो, तो उसके लिए हमें पहले वाइट आईलाइनर को अप्लाई कर लेना चाहिए, फिर वो कलर अप्लाई करेंगे हम तो वो कलर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ। पहले मैं वाइट आईलाइनर अप्लाई करके एक आँख में दिखाऊँगी और एक आँख में विदाउट आईलाइनर दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाइट आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं ये आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लिया आई शेडो पैलेट, मैं ये ब्लू कलर लूँगी, इसको अप्लाई करती हूँ मैं। ये आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है, इस आँख में भी किया है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसमें किया है, इसमें भी किया है, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो क्या डिफरेंस है इसमें। ये देखो कलर कितने अच्छे से दिख रहा है और ये कलर इसमें इवन पता भी नहीं चल रहा है। तो इस ट्रिक को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्पफुल है और इसको फॉलो करके तो लाइक अ प्रो तो आप कर ही सकते हो मेकअप। जो बिगनर्स होते हैं और या तो जो मेकअप करते हैं उनको क्या होता है प्रॉब्लम कि पहले आई शेडो अप्लाई करने के बाद उस लाइक उनको अप्लाई आई शेडो अप्लाई करने में ही स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है। उनको क्या होता है कि लाइक कोई कलर अप्लाई कर रहे हो बहुत ही डर डर के करते हैं, उसको डर डर के मत कीजिए, उसको कॉन्फिडेंटली कीजिए। कोई भी कलर अप्लाई करके एक अच्छी सी शेप, इवन वो डार्क ही क्यों ना हो, अच्छा सा शेप दीजिए आप। अगर इवन वी शेप कर रहे हो लाइक मैं करके बताती हूँ आपको, मैं ये वी शेप यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे कर रही हूँ। अब ये वी शेप तो पूरा एकदम से दिख रहा है ना, ये देखो ये पूरा दिख रहा है। अगर मैं इसमें कोई भी कलर डालूं, कलर ऐड करूं तो अलग अलग दिखेंगे, ब्लू अलग, अगर मैं इसके साथ लाइक पिंक कर रही हूं तो अलग ही दिखेगा। लेकिन अगर आप ब्लेंडिंग ब्रश से इसको जेंटली ब्लेंड करोगे तो वो लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मैं दूसरा कलर भी करके दिखाती हूं आपको। इसमें देखो आप दोनों में लाइन दिख रही है, लेकिन हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से, देख सकते हो आप अब वो लाइन नहीं दिख रही है। इसे ही कहते हैं ब्लेंडिंग टेक्निक, इससे आप अच्छे से आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। इस समय मैं थोड़ी फनी दिख रही होंगी ऑब्वियसली, एक आँख में कुछ और है एक आँख में कुछ और है, बट ये सिखाने के लिए तो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमें जो कलर्स हम अप्लाई करते हैं अपनी पूरी लिड पे, उसके लिए हमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल एरियाज़ को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि पूरा फैल जाता है, इधर से उधर होता है। तो बहुत ही छोटे छोटे पैटिंग और डैबिंग के मोशंस को लेने चाहिए हमें, धीरे 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 करने से आप एक अच्छा सा कलर बना सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ कर रहे हो आप दो कलर तीन कलर, तो अगर आप छोटे छोटे डैबिंग करोगे छोटे छोटे मोशन में तो अच्छे से आप कलर्स अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो अभी ब्लेंडिंग मेरे हिसाब से तो आती नहीं ही होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये बहुत ही जेंटली करना है। अगर आप मेकअप करते हो रूटीन में करते हो तो आप ये चीज़ जानते होगे, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत ही जेंटली ब्लेंडिंग करना है, उसे वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अदरवाइज़ आप बहुत ही फास्ट करोगे तो कभी आईज़ के अंदर भी चले जाएंगे ब्रशेज, उसके कुछ आई शेडो पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, तो वो थोड़ा हार्मफुल होगा। तो आप लोग जेंटली ब्लेंडिंग करेंगे तो अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे।
अब मैं बताने वाली हूँ हमें क्रीज कैसे बनाना है, और क्रीज के लिए हमें एक फ्लैट ब्रश चाहिए, और फ्लैट ब्रश में हम क्या करेंगे, कंसीलर ले लेंगे, ये कंसीलर है इसमें ले लेंगे। और उसके बाद जो है क्या होता है कि कट एंड क्रीज बनाने के लिए अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो मुश्किल होगा, फाइंड आउट होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे देखना है ऐसे ऐसे मिरर में, सर थोड़ा ऊपर ऐसे एंड मिरर में ऐसे देखो, नीचे मिरर को नीचे रखो, ऐसे नीचे की तरफ देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ हमें ये कहाँ पे लगाना है। अब मैं ये एक मैंने बेस रेडी कर दिया है, अब मैं अगर इस पे कोई भी कलर अप्लाई करूँगी तो वो कलर अच्छे से दिखेगा। तो कट क्रीज करना भी बहुत ज़रूरी है, ये ताकि हम जब कोई बीच में कलर अप्लाई करें कोई भी तो वो अच्छे से दिखे। अब मैं आप लोगों को इस पे कलर लगा के दिखाती हूँ, कौन सा कलर लगाऊँ जो कि अच्छा लगे। चलो मैं कुछ येलोइश करती हूँ, ये देखो आप कि मैंने ले लिया कलर। अब मैं इस पे येलो कलर जब अप्लाई करूंगी तो वो देखना कितना अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं ये कलर कितना अच्छा और कितना सही दिख रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग इसको कभी ना भूलें। अगर आप अपने आई शेडो में बहुत सारे कलर्स अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें लाइक उस पर ग्लिटर भी लगा रहे हो, बहुत सारे उस पर काम करना है आपको, तो आप उसके लिए सबसे पहले आई शेडो या आप अपना आई मेकअप कम्प्लीट करने के बाद ही फेस मेकअप करें, नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारे गिरते भी हैं, बहुत सारे गिरते हैं तो फिर उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो क्लीन करने में फिर यहाँ से क्या होता है कि जो आपने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई किया है वो भी निकल जाता है उसके साथ साथ। तो आप लोग जब भी बहुत सारे कलर्स अप्लाई करने वाले हो, कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर पहले आई मेकअप करें, उसके बाद ही आप अपना आगे का जो बेस मेकअप है, फेस मेकअप है वो करें। तो इससे आप के जो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है मेकअप, उससे आप बच सकते हो। और अगर आपको लाइक विंग्स मेकअप बनाना है, स्मोकी आई करना है, विंग्स आईलाइनर बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग एक टेप लेके अच्छे से यहाँ तक उसको चिपका लें। आपने बहुत सारे मेरे मेकअप वीडियोस में ये चीज़ें देखी होंगी, ये मैं कैसे करती हूँ, तो आप उसको करके भी अच्छे से आप अपना आई शेडो, विंग आई शेडो, विंग आईलाइनर कर सकते हो। सिंपली टेप लगाना है आपको कॉर्नर से लेके आईब्रो को ऐसे मिलाते हुए ऐसे लगा लो आप ऐसे अपर मोशन में लाइक दिस। फिर उसके बाद आप मेकअप करो, एक्स्ट्रा को जो कुछ भी बाहर निकलता है वो सब जो टेप होगा उस पे लगेगा और आप एक अच्छे से शेप बन पाएगी। एक और बात, मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज आप क्लीन नहीं करोगे इस कलर के साथ वो कलर, वो कलर के साथ वो कलर, जो कलर चाहोगे आप वो कलर आएगा ही नहीं, कोई और ही कलर आ जाएगा। तो मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना कभी ना भूलें, इवन जब आप मेकअप कर चुके होते हो, मेकअप रख रहे हो, सारी चीज़ें सब सेट कर रहे हो, तो मेकअप ब्रशेस क्लीन करके ही रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मेकअप करना हो तो इजी हो। ऐसा ना हो कि सब मैसी मैसी गंदा गंदा सा है, मेकअप भी करना है, ये वो पहले क्लीन करोगे फिर मेकअप करोगे, इससे अच्छा है कि आप पहले रखने से पहले ही उसको क्लीन करके रखो। ये तो आज की जो वीडियो बेसिक्स ऑफ आई शेडो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आप लोग किस मेकअप से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करोगे या फिर कुछ फैशन रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करोगे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे हेल्प मिले कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, मैं वही चीज़ें करूँ जो आप लोगों को पसंद आ रहा हो। तो प्लीज़ 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 कॉमेंट ज़रूर करें, एंड ये फ़नी आई शेडो के साथ बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।